2022 में त्रिपुरा में नजर आई थी, याद कीजिए, जब बीजेपी ने विप्लव देव को हटाकर मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया था। इन दोनों ही जगह, इनफैक्ट उत्तराखंड में भी, इन तीनों ही जगह ये फॉर्मूला काम आया और लोगों ने बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट दिया। लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? कर्नाटक में जब बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था, माननीय राज्यपाल महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति, समारोह आरंभ करने की अनुमति लेते हुए इस वक्त मंच पर आसीन माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। अब देखना यह, क्योंकि हमारे पास माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह सैनी, नायब सिंह की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है, जो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के लिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि मनोहर लाल के ही राइट हैंड कहे जाते हैं। अब मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। नायब सिंह सैनी को इस वक्त आप नायब सिंह लेते हुए देख रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं के नए मुख्यमंत्री की मैं विधि द्वारा स्थापित विधायक दल की बैठक में इनके नाम पर मोहर लगी और जब मोहर लग रही थी तब अनिल विज उनसे नाराज मैं भारत की होकर वो जगह छोड़कर चले गए। हालांकि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर फूले नहीं समा रहे हैं, खुद उनको श्रद्धा पूर्वक बधाई देते नजर आए। निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्ष पर यतेंद्र मेरे अनुराग या मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, अनिल विज वहां पर नहीं पहुंचे हैं, कुर्सी एक कम कर दी गई है, ये नाराजगी दूर तक जाएगी? मैं नायब सिंह जी, बिल्कुल, अनिल विज यहाँ पर नहीं आए हैं और आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर शुरू हो गया है। नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जब नायब सैनी के नाम का ऐलान हुआ था तो अनिल विज तुरंत उस सभा कक्ष से जहाँ पर विधायक दल की बैठक हुई थी वहाँ से तुरंत निकल गए थे बिना किसी को कुछ बोले। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अधिकृत है बोलने के लिए, यानी कि जो दिल्ली से पर्यवेक्षक बोले गए हैं, वो इस बारे में जानकारी देंगे, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल गए। क्योंकि अनिल विज बड़े जिद्दी स्वभाव के माने जाते हैं और हमेशा से उनके बारे में कहा जाता है कि उनको जो सही लगता है वो करते हैं, और शायद यही कारण था कि हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ उनकी हमेशा लड़ाइयों की खबरें, हमेशा जो कह सकते हैं कि तनातनी की खबरें हमेशा आती रहीं, और शायद यही कारण था कि जब दूसरा टर्म बना तो उनको मनाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए उन्हें गृह मंत्री यानी कि गृह मंत्रालय जो सीएम के पास होता था वो अनिल विज को देना पड़ा। हालांकि अनिल विज इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे लेकिन दूसरे टर्म में उनको गृह मंत्रालय भी देना पड़ा, यानी कि इस तरह का कद भी उनका समझा जा सकता है, जिद्दी स्वभाव भी समझा जा सकता है। लेकिन आज जब उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में हो सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जर्वर ने विधायक दल की बैठक में नायब सैनी के नाम का ऐलान किया तो सबसे पहले निकलने वालों में अनिल विज थे। वो बिना किसी से कोई बात किए निकल गए और अभी भी बता रहे हैं कि वो अम्बाला में हैं और यहाँ पर अपनी नाराजगी की वजह से नहीं आए हैं। जी, और पांव छूकर ये देखिए ना, दूसरी तरफ नायब सैनी ने आशीर्वाद दिया मनोहर लाल खट्टर का, दूसरी तरफ अनिल विज जो है वो बहुत नाराज चल रहे हैं। जिला महामंत्री बने थे बीजेपी में अंबाला से 2002 में, और आज 2024 में आप नायब सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के देख रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी कोई और चेहरा हमें दिख नहीं रहा है जो यहाँ पर शपथ लेगा, यानी इकलौते नायब सैनी थे जिनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। लेकिन यहाँ से अब आगे कहाँ जाता हुआ मसला नजर आ रहा है? अमित नेहरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, माननीय राज्यपाल महोदय ने मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर ये जो नाराजगी है ये कुछ घंटों की रहने वाली है या फिर ये ऐसी नाराजगी होगी जो बीजेपी को लोकसभा चुनावों में भारी पड़ेगी?
अब मैं श्री कंवर पाल जी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी नाराजगी, क्योंकि अनिल विज जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल स्वभाव के हैं, उनका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनके आप टटोल नहीं सकते कब क्या कदम उठाएंगे। हालांकि यही वजह रही है कि उनको सीएम नहीं बनाया गया अभी तक 10 साल में, क्योंकि आला कमान को उन पर विश्वास नहीं है कि कब वो कैसा रिएक्ट कर दे, तो ये एक बड़ी बाधा रही है। रही बात उनके प्रभाव की कि वो कितना प्रभाव छोड़ेंगे बीजेपी के ऊपर, नेगेटिव प्रभाव आएगा या नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि अमित मेहरा जी इतना ज्यादा प्रभाव है। अमरपाल गुज्जर जी के बारे में बताइए, क्योंकि वो भी इस वक्त शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और कंवर पाल गुज्जर हैं शिक्षा मंत्री थे अभी, तो इनको दोबारा रिपीट किया गया है। शिक्षा मंत्री थे हरियाणा के कंवर पाल गुज्जर, गुज्जर समुदाय से आते हैं, उधर अंबाला डिस्ट्रिक्ट से ही हैं इनका संबंध। तो के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार सीएम के बाद अगर दूसरा नंबर इनका आया है तो इनका कद निश्चित रूप से बढ़ा है, मैं तो ये कहूंगा। और इसके पीछे वजह जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में ओबीसी समुदाय, वही ओबीसी से आते हैं गुर्जर समुदाय से, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को बार बार बीजेपी की तरफ से जो साधने की कोशिश है वो इन नामों में साफ तौर पर नजर आ रही है। कौशिक साहब, ये आप कैसे तोड़ पाएंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि देखिए हमें जातिगत जनगणना करनी है, और दूसरी तरफ यहाँ पर करनी और कथनी का फर्क बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए रूबिका जी, दो चीजें हैं। राहुल गांधी जी ने जब से पिछड़े और अति पिछड़ों की बात करनी शुरू की है, बीजेपी की समझ में ये आ गया कि अगर राहुल गांधी जी के हाथ में ये मुद्दा रहा तो बीजेपी को केंद्र में से उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस, इसलिए उस मुद्दे को क्रैश करने के लिए इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, हरियाणा में ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला। जिस तरह से उत्तराखंड में इनके मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हारे थे, इसी तरह हरियाणा में भाजपा हारेगी, क्योंकि यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में तो कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। दूसरी बात, भाजपा के, जजपा के और अन्य धड़ों के लोग कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं, लगातार हमारे संपर्क में है। हम भी भाजपा को जोर का झटका बड़े धीरे से देंगे कि भाजपा भी याद रखेगी। तो कब देंगे ये झटका? अगले चुनावों में देंगे कि अभी कुछ ही दिनों में? जैसे मैंने कहा कि अभी 2 दिन पहले ही इनके सांसद विजेंद्र सिंह जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अरे सर, वैसे तो बहुत सारे सांसद हैं जो इनके पास पहुंच गए हैं, पार्टियां टूट के इनके पास पहुंच गई है। आपके पास इक्का दुक्का आ गया तो आप कौशिक साहब ऐसे खुश हो रहे हैं जिसकी हद नहीं। अभी सुने ना, देखिए अभी इनके हाथ में ताकत है, अभी सुप्रीम कोर्ट इनकी पोल खोलने वाली है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर, एसबीआई से जब आंकड़े आएंगे। मतलब आप कह रहे हैं इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ठीक है? फूटेगा। हाँ हाँ, हरियाणा में हांडा मतलब होता है फूका, फूटेगा। मूलचंद शर्मा जी आगे, मूलचंद शर्मा, और मूलचंद शर्मा जी को इस वक्त आप देख रहे हैं, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को शपथ लेते हुए आप दिख रहे हैं तीसरे नंबर पर। कद का एहसास आप लगा दीजिए। अमित नेहरा जी, मूलचंद जी के बारे में बताइए दर्शकों को। मूलचंद शर्मा बेसिकली फरीदाबाद से संबंधित हैं, संबंध रखते हैं, परिवहन मंत्री थे। ब्राह्मण समुदाय को ये अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कहूंगा मैं तो। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं सारी चीजों को तोल मोल के यहाँ पर इन सारे चेहरों को आगे रखा गया है, गुज्जर, सैनी और ब्राह्मण, अगड़ी और पिछड़ी जातियों को पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना। तो इस वक्त आप मूलचंद शर्मा को शपथ लेते हुए देख रहे हैं, विधि, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं हरियाणा की सरकार में। मैं मूलचंद शर्मा। अच्छा, तीन अलग और पोर्टफोलियो इनके पास है, सरकार ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। लाया जाएगा या